हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ डिस्काउंट बडीज़ एंड वेलकम यू वंस अगेन। आज हम जो मोबाइल फ़ोन का रिव्यू लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं वो मोबाइल फ़ोन इन्फिनिक्स का ऑफिशियल मोबाइल फ़ोन होने वाला है, जो मोबाइल फ़ोन एक्सपेक्टेड है 2021 के मिड सेक्शन या एंड सेक्शन में लॉन्च होने का। मोबाइल फ़ोन की मैं बात करूँ तो मोबाइल फ़ोन का मॉडल होने वाला है इन्फिनिक्स हॉट सीरीज़ का, जो कि बहुत फेमस सीरीज़ है, हॉट 11 प्रो। जी हाँ, इससे पहले कि मैं आपको सामने से कुछ फर्दर स्पेसिफिकेशंस को रिवील करूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के स्पेसिफिकेशंस के हवाले से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हम इसकी प्राइस के हवाले से बात करें तो मोबाइल फ़ोन की प्राइस जो कि एक्सपेक्टेड है, जो कि आने वाली है अराउंड 27,000 से 28,000 की रेंज में, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में मोबाइल फ़ोन जब लॉन्च होगा तो इसकी प्राइस आ जाएंगी। ये मोबाइल फ़ोन इन्फिनिक्स कंपनी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्लिम और स्लीक डिज़ाइन के साथ आएगा। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हमें एक पंच होल कैमरा कटआउट मिलने वाला है। इसके साथ में मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़्यादा थिन है, यानी कि 153 से 170 ग्राम्स के बीच इसका वेट होने वाला है। और मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है, स्क्रीन हमारे पास 6.7 इंचेस की एक मेगा स्क्रीन है, जो कि एक IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, जो कि हमारे पास 264 का PPI यानी कि एक 720p का डिस्प्ले होने वाला है। इस मोबाइल फ़ोन की जो मेन हाईलाइट होने वाली है वो इस मोबाइल फ़ोन का कैमरा है, जो कि एक क्वाड कैमरा सेटअप है। और ये कैमरा 64 मेगापिक्सल्स के साथ आता है, जिस पर आप 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस मोबाइल फ़ोन के चार कैमरास के अंदर एक कैमरा जो कि हमारा मेन सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का है। इसके साथ एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक टेलीफोटो लेंस और एक मैक्रो लेंस हमें अवेलेबल है। इस मोबाइल फ़ोन का जो फ्रंट सेल्फी शूटर है वो एक 32 मेगापिक्सल शूटर है, जो कि पंच होल कैमरा, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें लॉन्च होगा। मोबाइल फ़ोन की अगर हम प्रोसेसिंग के बारे में बात करें तो मोबाइल फ़ोन आता है स्नैपड्रैगन के 710 चिपसेट, जो कि स्नैपड्रैगन का एक 700 सीरीज़ का चिपसेट है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का चिपसेट है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो कि आपका XOS डॉल्फिन लॉन्चर यानी कि XOS 6.0 की सपोर्ट देगा और आपको 8GB की रैम भी प्रोवाइड करता है। इस मोबाइल फ़ोन के दो वेरिएंट आने वाले हैं, जो कि 64GB और 128GB, जिसमें आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ एक हाइब्रिड सिम स्लॉट होने की वजह से आपको मेमोरी कार्ड की एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी मिल जाती है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हमें जो खास फीचर एक और देखने को मिलता है वो इसकी बैटरी साइड होने वाली है, जो कि एक 6000 mAh की एक लिथियम आयन बैटरी, जो कि हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसने इस बार हॉट सीरीज़ के अंदर पहली बार टाइप सी चार्जिंग को इंट्रोड्यूस करवाया है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हमें एक 3.5mm का डेडिकेटेड ऑडियो प्लेइंग जैक भी मिलता है, जिससे हम बहुत से म्यूज़िक का और वीडियो स्ट्रीमिंग का मज़ा ले सकते हैं। और अगर इसकी एक और चीज़ की मैं बात करूं जो कि हमसे मिस पॉइंट हो गया था, वो था इस मोबाइल फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर। जी हाँ, जो कि इसके रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि इन्फिनिक्स का एक पुराना स्टाइल में फिंगरप्रिंट स्कैनर आते हैं। इन्फिनिक्स फिंगरप्रिंट स्कैनर्स काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और क्विक स्पीड फिंगरप्रिंट सेंसर्स होते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं देते। मोबाइल फ़ोन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त और दमदार चीज़ होने वाला है। इस मोबाइल फ़ोन की एक्सपेक्टेड प्राइस, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, अराउंड 26,000 से 27,000 के बजट रेंज में होने वाली है, जो कि मार्केटिंग के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मोबाइल फ़ोन होने वाला है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा ऐसा स्पेसिफिकेशन है जो इस मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा पसंद आया। और दोस्तों, जाते जाते एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।